मीना बिंद्री, ये सच झूठ छोड़ो, मने अपने घर में कोई बैर भाव ना चाहिए। ये घर क्या, अगर अपने आप ने नीलाम करके इस घर की शांति खरीद सकूं तो भी मैं उसके लिए तैयार हूं। संतोष घर वापस आ जाएगी तो हम कागजात बनवा लेंगे मेमरी मिन्नी के नाम। बाबा साहब, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये तो घोर अन्याय है, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। तू मने न्याय अन्याय ना सिखा बिंदनी, जो एक लुगाई माफी वास्ते अपने टाबर और पति को छोड़ के जा सके तो उसकी मांग पूरी ना होने पर पता नहीं वो क्या कर बैठे। कुछ ना करेगी बाबा साहब, कुछ नहीं, वो छिपकली कुछ नहीं। बिल्कुल सही कहा बाबा साहब ने, एमिली ने खुद को कुछ कर लिया तो मोहित भैया और हरी का क्या होगा। नहीं नहीं बाबा साहब, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। हमारे पास एमिली की मांग मानने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं, बस अपना परिवार फिर से एक हो जाए, और क्या चाहिए हमें। पर जिठानी जी, हमारी बात तो समझने की कोशिश करिए, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। मीना बिंद्री, मैं फैसला कर चुका हूँ, अब हमारा फैसला कोई बदल ना सके। बात समझो, सचमुच में पता है वो एमिली वो स्वार्थी हो गई है, वो स्वार्थ में बह रही है। और आप तो कभी गलत का साथ नहीं देती हो, है ना, तो आप तो उसका साथ नहीं दोगी, आप हमारा साथ दोगी, है ना। देखो ये सब गलत हो रहा है, सब गलत हो रहा है। स्वार्थ सिद्धि तो तुमने भी बहुत की मीनाक्षी, एमिली को घर से भगाने का आइडिया तो तुम्हारा ही था ना। एमिली के कंधे पर बंदूक रख के तुम्हें भी माफी मिल जाती। अब एमिली ने ऐसा किया तो क्या बुरा किया? बुरा क्या है? अरे लेकिन जिठानी जी, मारी बात सुनो, मैं ये सब जो कह रही हूँ ना वो मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास करो, सच्ची। मैं जानता हूँ, लेकिन आज उस एमिली ने तेरे ही तरीके से तेरे ही गाल पे तुझे थप्पड़ मार दिया। अब देख, पूरा घर उस मोहित और एमिली का हो जाएगा। चल छोड़, तू जाके सामान बांध, मैं बाहर जाके कोई किराए का एक कमरे का मकान ढूंढ दूँ। जा मीना जा। ढूंढने दूंगी, मारे गाल पे थप्पड़ मारेगी वो कल की आई। आने दो से 10 बजे बोल प्याऊ के चौराहे पे आ रही है ना, वही देखूंगी ना। उसके कान पकड़े और मैंने उसकी चोटी खींच के सारे घर वालों के सामने उसकी सच्चाई ना उगलवाई तो मीना सारी तुम्हारा नाम नहीं। मोहित भैया वापस, अभी तक तो सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसा हमने सोचा था। एक्सीडेंट के बाद पूरे अस्पताल ढूंढ डाले, पुलिस ने थारी कोई खोज खबर ना मिली। फिर अचानक एक दिन उस घर के अखबार में थारी फोटो छपी हुई देखी, बस तब से 6 साल बीत गए। उस घर से दिल्ली थारे से मिलने आया करते रहे। हाँ एमिली, आज तुम 6 साल के बाद कोमा से बाहर आई हो। एक झूठ की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी मुझे। मैं तो बस चाहती थी कि मेरा कोर्स पूरा हो जाए और आप बाबा मुझे घर वापस बुला लो। कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, ऐसी कभी कोई मंशा ही नहीं थी मेरी। मुझे तो बस कैसे भी करके आपसे माफी चाहिए थी। और आज ये सब ना एमिली, अब भला झूठ से किसका भला हुआ है? तुमने इतनी बड़ी गलती की, उसी की तो सजा दे रहा है भगवान। सही कहा आपने जीत जी, 6 दिन की खुशी के लिए मैंने अपनी कीमती 6 साल खो दिए। बाबू प्लीज मुझे मोहित परी अपने परिवार वालों के पास लेके चलिए। बाबू मुझे से मिलना है अभी। सूरज जरा फोन करके पता तो कर, इसकी मां कठे तक पहुंची है, ताकि बिंदनी अपने घर जा सके।
बाबू, बाबू प्लीज ऐसा मत कहिए। आप क्या कह रही है? 6 साल हो गए बाबू जिनसे मिले हुए, उन्हें देखे हुए। मुझे बाबू अपने परिवार के पास लेके चलिए, मुझे अपनी बेटी के पास लेके चलिए। जेठ जी समझाइए ना बाबू को, देखिए ना बाबू क्या कह रही है। पीनी, अब बहुत देर हो चुकी है। वो कह रहे हैं ना, सब जोक संजोक की बातें हो गए। नन्ही सी परी की जिम्मेदारी वो अकेले कया उठा पातो, इसलिए मोहित का दूजा ब्याह कर दिया है। और के करते, अब हमारी उम्र भी तो हो गई है। मीना बिन्नी के दो दो टाबर है, और फिर संध्या बिन्नी ने तो काम से फुर्सती को नहीं मिले। बेचारी नन्ही सी परी का कौन ध्यान रखता, कौन उसकी देखभाल करता। और फिर मीना बिन्नी ने समझाया तो मारे को ये बात सही भी लगी। छोटी जेठानी जी ने मोहित की दूसरी शादी के लिए कहा? हाँ बिन्नी, और फिर लड़की भी तो जान पहचान वाली है। मीना बिन्नी की छोटी बहन, तू तो जाने ही है ना उसे, सुधा। सुधा? हाँ। जेठानी जी, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? उन्होंने ही मुझे घर से भागने की सलाह दी। घर से भागते वक्त मुझे पर चिट्ठी छोड़ के जाने को कहा, और आज मेरे पीठ पीछे मेरे घर परिवार उन्होंने तोड़ दिया। मीना बिन्नी ने जे सब कहा, पर इमली बिन्नी उसने तो हमें कुछ भी ना बताया। हाँ और क्या, बल्कि मोहित की शादी के लिए मीनाक्षी ने उसको मजबूर किया, वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहता था। हाँ बिन्नी, मीना ने ही मोहित को बनाया। इतना बड़ा धोखा, मुझे घर से निकाल कर अपनी बहन का घर बसा लिया। एमिली, मेरे बच्चे, ओह गॉड, 6 साल से इस दिन का इंतजार था बेटा। थैंक गॉड कि तुम्हें होश आ गया। आई एम सो हैप्पी। अब हम चलते हैं। बाबू, बिन्नी अपना ध्यान रखना। चल छोरा। अब हाँ हाँ बाबू चल। शाम तो सब दी। शांत हो जा। देखो जो कुछ भी बुरा होना था ना, सब खत्म। हाँ, एवरीथिंग ओवर, अब सब अच्छा होगा। अरे हमारे लिए तो यही खुशी का बात है कि तुमको होश आ गया। मम्मा, उसी बात का तो अफसोस है कि मुझे होश ही क्यों आया। मैं क्यों जगी? आज अपने परिवार से दूर होने के लिए, इसलिए इससे तो अच्छा होता कि मैं कोमा में ही रहती। नो नो, ऐसा नहीं कहते संध्या बिन्नी। आज का ये दिन दोनों बिन्नियों के लिए एक उम्र सा बीतेगा। अब पछताया होत क्या जब चिड़िया चुग गए खेत। अब मीना सयानी तू क्या करेगी? उस छिपकली के दिमाग में तो तूने ही डाले थे।
वो कीड़े थार कोई काट गए। अब वो ब्यूटी पार्लर का कोर्स खत्म करके आएगी, मजे से इतनी लाखों की कोठी उसके नाम हो जाएगी, वो तो मजे से रहेगी। और तू, तुझे क्या मिलेगा? ठेंगा? हाँ भाभू, मीनाक्षी भी एमली से मिलने के लिए मरी जा रही है, अपने आप पर ही गुस्सा निकाल रही है। एक तरफ उसको ऐसे देखकर थोड़ी तकलीफ भी हो रही है कि मीनाक्षी पेट से है ना, लेकिन फिर सोच रही हूँ कि ये जरूरी भी है इन दोनों को सही सबक देने के लिए। बस कल का इंतजार है, सब ठीक हो जाएगा। बाबू, इमली कैसी है? जी हाल इमली बीनने का भी है, कल होली के दिन वो मीना बीन से मिलने जरूर जाएगी, और फिर वही होगा जो हम चाहते थे। हाँ बाबू, होली के इस पावन त्योहार पर इन दोनों को अपनी गलतियों का एहसास होगा, पछतावा भी होगा, और फिर हमारा ये परिवार फिर से एक हो जाएगा। यकीन कीजिए बाबू, ऐसा ही होगा। अपना ख्याल रखिएगा बाबू। भाभू चाय। भाभू, हम 9:30 बजे तक एमिली को लेने के लिए गोलपैरों के लिए निकल जाएंगे। हाँ, घर के पेपर्स एमिली के नाम बनवाने के लिए दे दिए हैं, 2-3 दिन में ये घर एमिली के नाम हो जाएगा। जय यहाँ थारे को ठीक लगे ना बीनी, बया कर ले। सबका दिल तुम लोगों जैसे बड़ा ना हो। संध्या बिंदनी, अब एक ही बारी में सब झंझट खत्म हो जाएगा। जेठानी जी, उससे पहले तो उस एमिली की बच्ची से मारे को बात करनी है। खानदानी हवेली होने के बावजूद मारे बच्चे किराए के घर में रहेंगे, ऐसे तो ना होने दूंगी मैं। रानी जी, अब मैं आ रही हूं। अब मीनाक्षी को थोड़ी देर रुकना पड़ेगा हमें, एमली अभी वहां पहुंची नहीं है। कठे चल दी। वो मैं रुक, पता है मारे को होली के रंग का ना शौक है थारे को, पर थारी देवरानी ना अब तक घर ना आई है, तू होली खेलने ना जा सके। रंग खेलने ना जा रही हूँ, इतनी बावली थोड़े ना, वो मिस्त्री का ना खिलौना गिर गया, नहीं लाई ना तो गुस्सा करेगी, तो मैं होके आती हूँ, लेकर आती हूँ। हाँ, यूं कहीं बस यूं आई। मीना भाभी, वो मिस्त्री का खिलौना पड़ा था बाहर। ले गिलेर, थारे मिस्त्री को खिलौना ना आ गयो। छोटू, हाथ में पकड़ा दे। हमारे पास टाइम को नहीं,
मने आज के आज ही जाना होगा, इससे पहले कि ये सारा घर देवरानी जी के नाम हो जावे। पर मैं कैसे निकलूं? ये तो सारे के सारे यही जमे हुए हैं। कुछ सोच मीनू, कुछ सोच। देखो बेटा, जो कुछ भी हुआ ना, उसे बुरा सपना समझ कर भूलने की कोशिश करो। अरे तुम्हारी उम्र ही क्या है अभी, हम तुम्हारे लिए एक अच्छा सा कैथलिक लड़का ढूंढेंगे, और जब घर बस जाएगा ना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मम्मा, आप कैसे बातें कर रही है? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है? दूसरी शादी? मम्मा, मैं दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। मम्मा, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मुझे मोहित से मिलना है, मुझे उसके सिवा कुछ नहीं पता। मोहित से मिलके क्या फायदा? मोहित से मिलने से तुम्हारी परेशानी और बढ़ेगी। देखो, मैं नहीं चाहती कि मोहित या राठी परिवार के किसी भी मेंबर से तुम बात भी करो, सब कुछ भूल जाओ, एंड दैट्स फाइन। पर मुझे एक बार छोटी जेठानी जी से मिलना है, जिन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उन्हें मैं ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ? एक बार सामने आ जाए वो, फिर बताती हूँ। एक मिनट, यहाँ गाड़ी रोको। बेटा, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं जल्दी से करके आती हूँ। रुकना, एक मिनट, अब जाता हूँ। हेलो, तुम जैसा बोला था संध्या बेटी, हम बिल्कुल वैसा ही किया। हाँ, वो बड़े बाजार की तरफ गई है, थोड़ी देर में हनुमान गली पहुंच जाएगी। ओके, गॉड ब्लेस यू बेटा। मौका है मीनू, भाग ले, भाग ले यहां से। मोहित भैया, फिर मत देखिए, वरना उसको शक हो जाएगा, वो नहीं जाएगी। जेठानी जी ऐसे कैसे कर सकती है? अपनी बहन को देवरानी बनाकर होली खेल रही है। आज मैं उन्हें बताऊंगी असली होली क्या है। बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा दे, मैं छोड़ूंगी नहीं आज उसको। चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए। अरे, अब तो क्या कर रहे हो? बीच सड़क पर होली खेल रहे हो? अभी जल्दी मैं बातें बताऊंगी, हटो। छोड़ूंगी तो आज मैं नहीं आपको जेठानी जी। अरे क्या भूत पिशाच की तरह खड़ी हो गई? जाओ, मुझे मुझे किसी को सबक सिखाना, हटो। सबक? सबक ना मुझे भी आपको बहुत अच्छे से सिखाना है जेठानी जी। ओ दिया
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।